हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिशंकर कुमार, आप लोग को हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एक काफ़ी बेहतरीन ब्लॉग्स दिखाने वाला हूं, जिस ब्लॉग्स में आप देखेंगे होली में किस तरह से तैयारी किया जाता है और होली में जो आप लोग को पर्व त्यौहार होता है उसमें क्या क्या पूरी पकवान बनाया जाता है, ये सारे प्रक्रिया आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। और आज का बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हैं, जिसे हंडी हो गया, ये डेक्ची जिसे बोलते हैं, और ये चूल्हा हो गया परंपरागत, जैसे कि आप जानते हैं मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, ईंट का चूल्हा बनाया जाता है। आजकल तो आप जानते हैं गैस सिलेंडर का भी काफ़ी प्रचलित हो चुका है, लेकिन पूर्व में आप लोग को पहले मिट्टी में खोद के बनाया जाता है, लेकिन अभी मिट्टी का चूल्हा बनाया जा रहा है। इसमें देखते हैं, ऊपर में चढ़ा हुआ है दाल। ये दाल आप जान रहे हैं किस चीज़ का है, आप देख लीजिए, नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। ये दाल आपको हो गया चना का, और चना का दाल इसलिए उबाला जा रहा है जिसमें आप पूरी, जैसे नमकीन पूरी जो बनाते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। जैसे कि बात देख रहे हैं, मेरे एक छोटी बेटी हो गया, और उसके बाद मेरा वो साला है, मेरी वाइफ है। और अभी आप जानते हैं कि खजुरिया, और बोलते हैं खजुरिया और पकौड़िया किस तरह से बनाया जाता है, तो उस तरह से आप देख रहे हैं। जैसे कि अभी आपको कठौती हो गया, और उस देख रहे हैं अभी जो कठौती होता है उसमें आप खजुरिया और पड़ोकिया जो बना जाता है उस चीज़ को किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं मैदा, मैदा और आपको सूजी और रिफाइंड के साथ, देख रिफाइंड बगल में रखा हुआ है, रिफाइंड के साथ इसको गूंदा जाता है, इसको पूर्ण रूप से साना जाता है, फिर उसके बनाया जाता है, फिर उसके बाद आपको रिफाइन या उसके बाद करू तेल में उसे छाँका जाता है। और इसमें आप जानते हैं कि खजुरिया और बुड़किया बनाने में आपको रिफाइन, मैदा, चीनी, उसके बाद और आपको सभी चीज़ का उपयोग हो जाता है सानने में, जैसे उसको पूर्ण रूप से गूथा जाता है, काफ़ी बेहतरीन। जब तक आपको पूरा गूंद देता है तब बनाने बहुत बेहतरीन होता है। और देख रहे हो, उसके लिए सारा औजार रखा हुआ है, और ये आप देख रहे हैं आँच जो चूल्हा में दिया जा रहा है। ये तो सारे अपडेट आप देखेंगे मेरे हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को आज एक काफ़ी बेहतरीन इंटरेस्टेड ब्लॉग्स दिखाने वाला हूं, जो कि आप इस ब्लॉग्स का कई बार भी देख चुके होंगे, और आज का काफ़ी बेहतरीन वीडियो होगा। और किस तरह से पुआ पकवान किया जाता है वह भी आप लोग को दिखाऊंगा कि पुआ किस तरह से और किस चीज़ का बनाया जाता है। तो पुआ सिर्फ आपको मैदा प्लस आपको जो होता है चीनी, और उसको पानी दे के पूर्ण रूप से इस तरह से साना जाता है, जिस तरह से पूर्ण रूप से एक जलेबी को जैसे आप लोग छानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इतना बनाया जाता है गड्ढा, फिर उसको तेल में देने से छाकने से काफ़ी बेहतरीन बन जाता है। तो आज का ब्लॉग्स आप लोगों के इंटरेस्टेड होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन वीडियो बने। मुसला बने के तब लोग फर्स्ट नहीं किया।